गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल मोटो स्मार्ट क्लासेस में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि कोविड-19 चल ही रहा है और इसकी वजह से एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं रेलवे NTPC एग्ज़ाम, जो कि दिसंबर 15 से एक्सपेक्टेड डेट है कि एग्ज़ाम होने वाला है। बट इस एग्ज़ाम में आप देख पाएंगे कि इस एग्ज़ाम में जनरली हम चीज़ें जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो हम एग्ज़ाम दे पाएंगे उसके बेस पर या नहीं, तो वो फर्स्ट है कि आपका मेडिकली फिट रहना बहुत ज़रूरी है। जो गाइडलाइंस आई हैं, आप जितने भी एग्ज़ाम होंगे कोविड-19 के ड्यूरिंग, तो आपको मेडिकली फिट रहना कंपलसरी है। अगर आपका टेम्परेचर उस लेवल से ज़्यादा पाया जाता है, जैसे कि आपको पता होगा नॉर्मली जो टेम्परेचर होता है वो 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट में 98.2 होता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना टेम्परेचर मेंटेन करके रखें। मतलब मेंटेन तो नहीं कर सकते बट उसको अपने हेल्दी रह सकते हैं कि मास्क लगाएं और हेल्दी फूड लें और हाथ पैर को सैनिटाइज करें अच्छे से और आस पास में सफाई रखें। तो अगर कोई स्टूडेंट अगर मेडिकली फिट नहीं पाया जाता है और एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंच जाता है और उसका टेम्परेचर ज़्यादा मिलता है, तो वो एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा। मास्क सैनिटाइज़र आपके पास होना चाहिए, कंपलसरी है, और आपका टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कई बार आप गर्मी में पहुंचते हैं तो उस समय थोड़ा सा हीटअप हो जाती है बॉडी पर, अपने आप को रिलैक्स करें, फ्रूट्स खाएं ज़्यादा से ज़्यादा और पानी पिए ठंडा, तो उससे क्या होगा, मतलब नॉर्मल वाटर पिए, ठंडा वाटर मतलब नॉर्मल वाटर से कहने मतलब है, ठंडा पानी तो थोड़ा अवॉइड करें, नॉर्मल वाटर लें, और जो वाटर लें वो किसी भी जगह से ना लें, अपने घर से लेके जाएं। तो ये सारी चीज़ें आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेंगी और वही स्टूडेंट एग्ज़ाम दे पाएंगे जो NTPC में जो मेडिकली फिट होंगे, जिनका टेम्परेचर ज़्यादा पाया गया उनको सेंटर से वापस कर दिया जाएगा। इस गाइडलाइंस को आप अच्छे से समझ लें, अदरवाइज एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। मुझे यही बताना था वीडियो में। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।